मौजूदा हल्का बन गया। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो गुनहगार है, ये उसके साथ मुलव्वस है। हम तो जमहूरी लोग है, फिलहाल तो हम पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अदालत में भी जरूर हम जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से भी हमें ये उम्मीद है कि अगर वो ये इसने ये कर दिया कि भाई वाकई ये नाजायज़ हुआ है, किसी के साथ जायज़ नहीं हुआ है, तो वो चेंज कर सकते हैं उसमें एहतजाज भी किया। अगर उन्होंने अर्धनमी की या हुकूमत से या दूसरे या इस्लामाबाद उसके ने जो वहाँ पर जो उसका इलेक्शन कमीशन का जो बैठा हुआ है, तो फिर जाहिर है कि हम धरने करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और पुरअमन तरीके से करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो अगर लिस्ट आप खुद देख ले, इस्लामाबाद के दोस्त आ जाए वो आप देख ले कि हम उस पर साबित कर दें कि किस तरह कदम दिया हुई है। अभी दो भाई है, इस एक अगर रोड किस तरफ है, एक अगर रोड किस तरफ है, उनको एक जगह पर रखा है, दूसरे को एक जगह पर रखा हुआ है। इसी तरह लिस्तानी बुनियादों पर इन्होंने जो लोगों को तकसीम किया है और जो नफरत फैला रहे है, जो तरीका उसने अपना है, ठीक है अगर उसने एक मखसूस पार्टी को जितवाना है, लेकिन उसके लिए कोई तरीका होना चाहिए। ये जो कर रहे ये मुनासिब नहीं है। हम तो एहतजाज ज़रूर करेंगे और एक दफ़ा तो यहाँ भी एहतजाज फिर अदालत जाएंगे और मेरे ख्याल से वो सारे पार्टियाँ ने हमारे साथ बात भी की, तकरीबन सारे पार्टी बलूचिस्तान की जितनी पार्टी है सब ने इस चीज़ को जो है महसूस किया कि इस दफ़ा जो हल्का बंदियाँ हुई है वो जायज़ तरीके से नहीं हुई, वो कोई मखसूस टोले को जितवाने के लिए नवाजने के लिए उन्होंने ये तरीक़ेकार अपना है जिसको हम मुनासिब नहीं समझते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो गुनहगार है, ये उसके साथ मुलव्वस है। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल हट के की है। एक यानी मैं मिसाल दूंगी डिस्ट्रिक्ट आपके चागी की, जो उसकी NA की सीट है उसमें वाशुक को, चागी, खारा, नौशकी, इनको एक साथ मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया। अगर आप खुद जाएं तो आपको यहाँ से चागी मेरा ख्याल जाने में और उसके बाद नौकुंडी तक आपको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं नॉन स्टॉप। तो इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जिस तरह बढ़ाया गया है तो उसके लिए आपका जो भी इलेक्शन आगे लड़ेगा उसको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए नहीं बनाया। और सेकेंडली जो क्वेटा में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन्होंने मिक्सअप किया है उसमें अफगान महाजरीन का इंदराज सबसे बड़ा जो इशू है कि कल के दिन आपकी अपनी पहचान ही आपके लिए जो है ना एक मुश्किल है। इसी तरह पंचपाई को उन्होंने क्वेटा के एक हल्के के साथ यानी इस तरह खेला है कि उन्होंने सिर्फ लकीरें खींच कर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं ग्राउंड रियलिटीज़ को बगैर जाने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बलूचिस्तान का भी ये काम होता है कि उसने अपना एक पॉजिटिव इनपुट देना होता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर ये चीज़ें करनी होती है, अमेंडमेंट करनी है, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें। अगर उन्होंने अपना ये फैसला तब्दील नहीं किया, जैसे आपके सामने ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रद्द अमल आ गया है जो सियासी पार्टियाँ हैं, तो इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल बलूचिस्तान भर से फिर सियासी पार्टियाँ निकलेंगी सड़कों पे, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल हमारे पास नहीं होगा। और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते जो अभी इन्होंने हल्का बंदियाँ की आलियाँ, और ना ही हम इस तरह किसी एक स्पेसिफिक ग्रोह को जो है ना जो नवाज़ रहे हम इसको आगे नहीं होने देंगे।